तो यहां तक दावा कर रहा है कि सर्वे में उन्हें शिव के दर्शन हो गए हैं, भोले बाबा मिल गए हैं। हिंदू पक्ष से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हमारे साथ शासकीय अधिवक्ता मौजूद हैं। अधिवक्ता साहब, जानना चाहेंगे आपसे, आज जो है कार्रवाई पूरी हो गई, क्या कुछ तथ्य निष्कर्ष निकले? कमीशन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कमिश्नर महोदय जो है अपनी कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे, उसके बाद ही सामने आएगा तथ्य। तालाब में भी आज सुनने में आ रहा था, तालाब की सफाई होगी? सुनने में कोई बात नहीं, जो भी दाखिल होगा कोर्ट में, माननीय न्यायालय कोर्ट में दाखिल होगी, रिपोर्ट सार्वजनिक होगा, उसके बाद आप लोग दिख लीजिएगा उसको। कुछ मलबे की बात, मलबे की सफाई नहीं कोई? हाँ, सब सफाई वगैरह सब करके दिखा गया, कमीशन करवाई हुई है सब। तो कल क्या इसको रिपोर्ट को सबमिट कर दिया? अब देखिए, कमीशन अगर तैयार कर लेंगे तो कल रिपोर्ट दाखिल करना, अन्यथा कोर्ट में जाकर कोई तारीख लेंगे वो। धन्यवाद वकील साहब। तो हमारे साथ सोहन लाल जी मौजूद हैं। सोहन लाल जी, क्या अगर कम शब्दों में कहा जाए तो क्या? बस यही है कि जो लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे, लक्ष्य मिल गया, बस इतना ही। क्या लक्ष्य था? थोड़ा सा जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दीजिए क्या लक्ष्य था। इसके बाद हम लोग दूसरा जो है लंबा 15 फीट ऊंचा और 24 फीट है, चलते रहिए है ना, तो उसका जिसमें हमारे ध्वंस आराध्य स्थल हैं, पाषाण खंड हैं, मूर्तियां हैं, इन सब की जो है हम लोग खुदवा कर जांच करना चाहते हैं। इधर ही यानी वो अभी कार्रवाई कहा जाए तो अधूरी है। हाँ, क्या बाबा मिल गए? चलते रहिए। बाबा मिल गए हैं क्या? हाँ मिल गए, मिल गए। आगे बाबा को लेकर क्या किया जाएगा उनके समक्ष? चलते रहिए। हाँ चलते रहिए भाई। विष्णु जैन जी अचानक निकल गए? हाँ, किस लिए? उनके पिता की तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, इसीलिए निकल गए। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भारत